ईश्वर चंद्र विद्या सागर साडे देश ते उग्गे विद्वान होए हन। एक वार ईश्वर चंद्र विद्या सागर बाजार विचों लंघ रहे सन। ओ एक मंगते दी आवाज सुन के रुक गए। मंगता एक छोटी जेही उम्र दा मुंडा सी। उना ने मुंडे वल गौ नाल तक्या। मुंडे दे नैन प्राण ता सबूते सन पर शरीर दा बड़ा कमजोर सी। विद्या सागर जी नू ए समझदिया देर ना लगी कि ओ मुंडा सचमुच ही बहुत गरीब है। उना नू अपने वल वेखदिया तक के मुंडे ने तरला भर के आख्या, बाबू जी एक पैसा, मैं 2 दिना तो कुछ नहीं खाता। जे भला मैं तेनू 2 आने दे दिया ता उना दा की करेंगा? विद्या सागर जी ने पुछया। मुंडे दिया अखा विच चमक आ गई। उसने कहा, बहुत मेहरबानी होवेगी बाबू जी, घर मेरी माँ भी भुखी है, असी 2 आनिया दे चौल लै के रिन रवांगे। जे भला मैं तेनू 4 आने दे दिया फिर? विद्या सागर जी ने पुछया। फिर कल नू भी खान नू मिल जाएगा? मुंडे ने कहा, जी 8 आने। विद्या सागर जी ने अजे गल पूरी भी नहीं सी कीती के मुंडा कुछ चुप जया हो गया। ओ शायद ए सोचन लग पया सी के ए आदमी उस नाल मखौल कर रहा है, 8 आने किंज देवेगा। उसनू ता एक पैसा भी डाढ़ी मुश्किल नाल मिलता है। उसदे चुप होण उत्ते विद्या सागर जी भी समझ गए कि भिखारी मुंडा इस वेले की सोच रहा है। एक मिंट ले चुप रह के बोले, दस ना की करेगा 8 आनिया दा? मुंडा जरा खिज गया, कहन लगा, बाबू जी क्यों मखौल कर दे हो? जे मेनू गरीब नू कुछ देना नहीं ता मेरी गरीबी दा मखौल ता ना डाओ। विद्या सागर जी ने उस मुंडे बारे जो सोचया सी ओ ठीक निकलिया। उना बड़े ठरम्मे नाल कहा, मैं तेनू मखौल नहीं करदा पुत्रा, मैं सचमुच तेनू 8 आने नहीं सगों 1 रुपया देवांगा। मैं तेनू पुछना चाहुंदा कि तू उस रुपये दा की करेंगा? मुंडे ने कुछ झिझकदिया कहा, उस रुपये दा? उना उस विचों 8 आने मैं अपनी मां नूं देंगा, ओ इना दे चौल ले आवेगी, उना चौलां नाल साडे 4 कुदी निकल जाणगे, बाकी 8 आनिया दी मूंगफली लैके मैं छाबड़ी ला लवांगा, उस विच जो मुनाफा होवेगा उस होर मूंगफली लैके बेचांगा, साडा गुजारा चलन लग जाएगा। विद्या सागर जी उस मुंडे दा उत्तर सुन के बहुत खुश होए। उना अपनी जेब विचो 1 रुपया काट के उस मुंडे दे हाथ फड़ाया ते उसका मुंडा थाप दे के है, मेरे चंगे पुत्र इवें ही करी जिवें तू क्या है। एक कह के ओ अगां चले गए। इस तो कोई 10 वरे बाद विद्या सागर जी उसे शहर विचो नंग रहे सन। उना नू एक नौजवान ने आके पैरी हाथ लाए। उस नौजवान ने चंगे कपड़े पाए हुए सन। विद्या सागर जी उसनू पछाण ना सके। मत्था टेकन पिछों उस मुंडे ने उना नू हाथ जोड़दे कहा, बाबू जी मेहरबानी करके जरा 1 मिनट ली मेरे नाल आओ। ओ ए कह के सामने दुकान वाल वध्या। विद्या सागर जी भी उसके पिछे पिछे तुर पे। दुकान अंदर जाके उस नौजवान ने उन्हां नू बड़े सत्कार नाल बिठांदिया कहा, बाबू जी पछाणिया नहीं मैनू, मैं ओही भिखारी मुंडा हां जिस नू अज तो बहुत साल पहला तुसी 1 रुपया दिता सी, हुण ए मेरी दुकान है। विद्या सागर जी सारी गल समझ गए। इस वेले उन्हां दे चेहरे ते अकै खुशी सी। चाह पानी पियाउण पिछों उस नौजवान ने उन्हां नू 1,000 रुपया भेट करना चाहिया। विद्या सागर जी ने ए रुपया ए कह के वापस कर दिता, मेरे चंगे पुत्र ए रुपये तू अपने को रख, जदों कोई लोड़वंद इंसान मिले ता उसकी सहायता करनी, मैं बहुत खुश हां कि तू उदों मैनू जो वचन दिता सी ओ निभाया है,
ਇਹ ਦੁਕਾਨ, ਇਹ ਰੁਪਈਏ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇਕ ਦਿਲ, ਸਾਦਾ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇਨਸਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਰੌਸ਼ਨ ਰਹੇਗਾ।